वॉश होंगे। तो जनाब आज की रेसिपी बहुत इजी है, आप एग्जैक्ट वैसे ही बनाएंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो आज की जो रेसिपी है वो है शादियों में भरने वाला पालक गोश्त। तो सिर्फ एक दो टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही मलाई स्मूथ सी मज़ेदार पालक गोश्त मिल जाएगी। तो चलिए चल के देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ओके जनाब, शादियों में भरने वाली पालक गोश्त कैसे बनती है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। तो ये रहा हमारा मटन, ठीक हो गया, इसके साथ ये पालक, ये आ गया दही, ये आ गया दूध, ये जनाब हमारे पास आ गया टमाटर, ठीक हो गया, ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर है जिसकी वजह से पानी आया हुआ है, ये मेरे पास आ गया प्याज, ये हरी मिर्चें और धनिया, दो हरी मिर्चें, यह आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच और दो चम्मच हरी मिर्चें। चलिए तो जनाब इसमें डालते हैं पानी। ओके जी, इसके साथ ही मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून नमक अपना, हल्दी आधे टीस्पून से भी कम, कुटी लाल मिर्च आधी टीस्पून और इसके साथ ही लाल मिर्च चली गई आधी टीस्पून। चलें जी, अब ये जब इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम प्रेशर लगा देंगे अपने गोश्त को। ओके जनाब, प्रेशर लग गया और इसके ऊपर वाली खोपड़ी उड़ गई है। ओके जनाब, प्रेशर करते हैं बंद। ओके जी, प्रेशर मैंने खोल लिया, अब इसकी करूँगी मैं अच्छे से भुनाई। हमारा ऑलमोस्ट पानी ख़त्म हो गया, अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ओके जनाब, ऑयल डाल के अच्छे से इसकी करेंगे हम भुनाई। ओके जनाब, अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अपना दही, एक प्याली भर के दही डाल दी। ओके जी, अब हम अपनी पालक इसमें सारी डाल देंगे। चलिए जनाब मिक्स करते हैं पालक। अब पालक को हमने इतना भूनना है कि उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल आ जाए। ओके जी, मैंने खुले बर्तन में अपनी पालक डाल ली है, पालक गोश्त। तो अब ये देखें पटाखे मारना शुरू हो गया हमारी पालक। तो अब हमने क्या करना है, ओके जनाब, जब पालक इस टाइम पे पटाखे मारने लग जाए ना तो आपने इसमें आधा कप दूध शामिल कर देना। ये छोटा कप है तो मैं पूरा कप दूध डाल रही हूँ, अगर भरा है तो आधा कप आप डाल दें। आप देखिएगा आम पालक से ना बहुत मुख्तलिफ होता है ये शादियों वाली जो पालक होती है ना इसका जायका। और सबसे बड़ी टिप जो अभी मैंने आपको बताई है कि दूध डाल देना है और उसके बाद देखिएगा पालक का जायका, और जब आप इसको ज़ीरा राइस के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। ओके जी, शादियों में भरने वाली पालक गोश्त हो गई है रेडी। तो अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ओके जी, शादियों में खाया जाने वाला पालक गोश्त रेडी हो चुका है। तो ये इसकी फाइनल लुक। आई होप सो कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।